पंजाबी ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे स्रोतियां नूं फतेह अर्ज करदे हां जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। किताब पूरी होई करामात जीवनी गुरु रामदास जी, भाग तीजा, पन्ना नंबर 99। गुरियाई दे मुढ़ले साल। पड़दादे परवान पड़ोता। गुरु रामदास जी दे दीदार करके सब कह रहे सन कि पिता गुरु अमरदास जी, दादे गुरु अंगद देव जी अते पड़दादे गुरु नानक देव जी वर्गे ही गुरु रामदास जी हन। यह ऐसे आए हन कि हर एक नू जो कूक माया दी निंदे सुत्ता है होका दे जगा देणगे। सुत्ते होए नू कोई जगाउण दा हिया नहीं करदा, ते जे कोई जगावे भी तां जागण वाला बड़ा खिजदा है, पर इना जिम्मे तां इह कारज ही लगा है कि परवाह किते बगैर जगा देना। फिर होमै रोग इतना परबल है कि उन्हें देख लिया कि मिठी दवाई दत्तियां यह नहीं कट्टिया जाएगा, सो ओह कौड़ी दवाई देण तो भी नहीं झिझके। गुरमत जाग जगाएदा, कलयुग अंदर कौड़ा सोता। उन्हां जीवां नूं जाच सिखलाई कि दुनिया विच चंगी तरह रहना किवें है। दुनिया विच ओह ही सुखी रह सकता है कि जो एक थम्मी सहारे अपना महल नहीं उसारदा। थम्मियां दो ही हन, दीन अते दुनी दियां। जिस दीन छड़िया ओह भी दुखी होया, ते जिस दुनिया छड़ दित्ती ओह भटकदा ही रहा। यह भटकण अथर्बण वेद दे ख्यालां ने दुनिया विच पाई सी। अथर्बण वहमां परमां ते करमां दा प्रचारक सी। गुरु जी ने ओह उखाड़ सुट्टिया। थम दीन ते दुनी दे लुकाई नूं मिल गए। दीन दुनी दा थम होए, भार अथर्बण बम खलोता। ऐसी जाच सिखां नूं आ गई कि ओह हुण जगत सागर दियां घुम्मण घेरियां विच नहीं फसते। गुरु ने ऐसा शब्द दा जहाज बना दिता कि ओह उस ते चढ़ गोते नहीं खांदे। लोकां नूं अवगुण वेचण ते गुण विहाजण दी जाच सिखाल दित्ती। सिख हुण धंदियां विच नहीं पैंदे, सफल ते सच्चा सौदा करदे हन। व्यापार भी उन्हां दा सुच्चा है, किरत भी सुची है, ते दुकानदारी भी खरी है। सिख सफल व्यापारी है। यह जाच उन्हां गुरु जी तों सिखी है। अवगुण लै गुण विकण, गुर हट नाले वणज सौता। फिर यह जुगत भी सिखां नूं आ गई कि प्राप्त चीज़ नूं कायम किवें रखना है। साध संगत विच नित जान नाल प्राप्त वस्तु गवाचदी नहीं। सखी वस आया फिर छोड़ ना जाई, यह रीत भली भगवंते। हुण सिखां नूं मैल लग भी नहीं सकती क्योंकि वह रोज़ साध संगत दे सरोवर विच इशनान कर लेंदे हन। यह वल भी गुरु रामदास जी ने सिखाया है, मैला कदे ना हो वई गुर सरवर निर्मल जल तोता। सब यह ही आख रहे हन। गुरु रामदास जी दे दर्शन करके गुरु नानक दी कुल विच ऐसे परउपकारी निरलेप केवल गुरु रामदास जी हन। बाबाणे कुल कवल अछोता। भट्ट नाल कहिंदे हन कि गुरु रामदास जी दे दर्शन कीतियां ही काम क्रोध दूर हो जांदे हन। जाके देखत द्वारे, काम क्रोध ही निवारे। गुरु रामदास जी उसे गुरु नानक कुल दे चानण हन। पहला गुरु नानक देव जी ने ऐसा जगत नूं चानण बख्शिया कि सब नूं खुशी मिली। प्रथमे नानक चंद जगत भयो आनंद। फिर यही प्रकाश दा खजाना गुरु अंगद देव जी नूं मिलिया। अकथ कथा दा ज्ञान जगत नूं गुरु अंगद देव जी ने दिता। काम क्रोध दा जोर ना चलिया। लोक इन्हां पंजां सूरमियां तों बच गए। मौत दा डर ही लै गया। अकथ कथा ज्ञान पंच भूत बस कीने, जगत ना त्रास। गुरु अमरदास जी ने उसे चानण खजाने नूं खुले हत्थी वंड के जीवां नूं कलयुग विच रहण दी जाच सिखला दित्ती। जिस भी आप जी दे उपदेशां दा सहारा लिया उसते कलयुग प्रभाव ना पा सकिया। गुर अमर गुरु श्री सत, कलयुग राखी पत, अगन देखत गत चरण कमल जास। अते हुण हर कोई इह ही आख रहा है कि जद सब पास्यों गुरु अमरदास जी ने परख लिया, घोख लिया, तो गुरु रामदास जी की करनी ते बहुत ही खुश होए, ते हुण राज जोग दा तख्त गुरु रामदास जी नूं दे दिता। गुरु रामदास जी ऐसे हन जो संसार विच रहिंदे संसार तों उदास होण दी जाच सहले ही सिखला देंदे हन।
सब बिद मान्यो मन तब ही भयो प्रसन्न राज जोग तख्त दियन गुरु रामदास। हर कोई यह ही कह रहा है कि गुरु रामदास जी के हिरदे काम क्रोध नहीं है, वैर का अभाव है, सदा ज्ञान का निवास है, उन्हों का स्वरूप प्रेम है, हरी रंग विच रंगे हुए हैं, जो भी उन्होंने दर्शन करता है उसका मौत का डर दूर हो जाता है, तिने ताप उतर जाते हैं, आत्मा हौली फुल हो जाती है, अरोग लगती है। काम करे जन शाम परे तिन ताप हरे नित होत अनाम। गुरु रामदास जी नू देख इंज लगता है जिमें भगती ने ही दे तार लई है, सोरठा भगत दे अवतार याते राम को दास कह। माया तो अलोप विचरदे हन, सुंदर गुणा दे स्वरूप हन, किसी नू कोई भुलेखा नहीं है, हर कोई कह रहा है कि ओहो जोत प्रकाश कर रही है, देखिया एक अलौकिक आनंद मिलता है, वह आनंद स्वरूप हैं, गोइंदवाल उसे तरह देग चलती है, संगतां भी उमड़ उमड़ आउंदियां हन, मंजियां थापे सिख भी दर्शनां नू आए, कोमल सुभा दी सारे ही उपमा करन, किसी नू रता पर भी दुख होवे तां वह सहार नहीं सकते, हर एक दी पीड़ा हरदे आप सगों राह लभदे रहिंदे सन कि अगले नू प्रसन्न किया जाए, किसी नू उदास देख ही नहीं सन सकते। बहु कोमल जिन सरल सुभाओ नर पिख सकै भंग मन काओ, हृदय विचारै अनक उपाओ किम हम कर है दे देख सकाओ। गुरु रामदास जी वल ध्यान नाल देखो तो इंज लगता है जिमें लक्ष्मी पैर झस रही है ते ज्ञान दा छतर सिर ते झुल रहा है, झंडा झुल रहा है, श्रेष्ठ मत वाले सिख आप जी पास हन, हर एक नाल प्यार दा वरतारा है, धीर जी सुभाओ है, हर एक नाल स्नेह, हर एक ते कृपा खिमा रूप हन, ते सब तो वड्डी गल अठे पहर प्रसन्न हन, चेहरा चमकदा रहिंदा है। मैत्री प्रित करुणा खिमा मुदिता आठो जाम, जिस रब ते ओह सवार हन उसदे चार पहिए हन, मैत्री धीरज कृपा अते खिमा जाम। जद वह बचन करते हैं तो बचना विच ही माड़े चंगे का भेद समझा देंदे हन, उन्होंने सुनद्या ही विवेक बुद्धि मिल जाती है, पक्का वैराग उपजदा है, यह नहीं है कि हुण वैराग होवे ते फिर दुनिया विच गलतान हो जाइए, क्योंकि असल धर्म की सांझ आ जाती है कि योग धर्म है, इसका पता लग जाता है। उन्हां यह भी समझा दिता है कि लगातार शुभ कर्मन करने अते इसनू करदिया कदम पिछा ना करना ते ना हटाउणा अते सदा शरदा कायम रखनी, सुच्चा आचार श्रेष्ठ बुद्धि यह ही घोड़ फौज है जिस नाल ईरखा आदि वैरियां नाल लड़िया जा सकता है, प्यादा फौज है प्रभु दे भै विच रह के प्यार ना टुटे ते लगातार सिमरन टुरदा रहे, फौज दा सेनापति प्रेम है अते कीर्तन सुनना ते करना इस सेनापति पास वड्डा हथियार है। उन्हां समझा दिता कि मोह रूपी शत्रु जो मन रूपी देश विच घर रच के राजे वांग बैठा है, इस सेनापति दे हुंदियां आपे नस जाएगा, ढै ढेरी हो जाएगा, मोह ही है जो ईरखा हिंसा क्रोध आशा तृष्णा विभागां दी फौज नू पैदा करता है। नानापण नहीं है, द्वैत दा नां नहीं, सच दा आनंद ही है, नाम दी दुहाई दे रहे हन, जिमें परजा पालक परजा दी रख्या ताड़वियां तों करदा है, इसे तरह गुरु रामदास जी सिख संगतां दी कमादिक वैरियां तों नाम दी दुहाई दे के रख्या कर रहे हन। आप जी सरल सुभाओ सुशील मन उदार हिरदे वाले हन, देंदे ही रहिंदे हन, कदे नहीं थकदे देंदियां, हर एक नू आदर देंदे हन अते शुभ कम्मां विच लगा रहे हन, सारे जगत उत्ते किसी होर साधन नाल ओह हुकम नहीं करदे, सगों साध संगत राही हुकम फेर रहे हन, सारा जोर साध संगत ते ही देंदे हन, ओह ढंग दस रहे हन कि अप्राप्त नू प्राप्त किवें करना अते सब तो वड्डी गल प्राप्त होए दी रख्या किवें करनी है। सारा जीवन ही परउपकारी है, वड्डा परउपकार है गुरु रामदास जी दा कि उन्हां जाच सिखला दित्ती है कि जल विच रहिंदियां मुरगाबी वांगू पंख किवें सुके रखने हन,
ते जगत दी कालख दी कोठड़ी विच विचरदियां मन नू कालख किवें नहीं लगन देनी। जल मैं राखे शुष्क पर बिच सुरमे नहीं शयाम। उपदेश केवल वाहिगुरु दे नाम दा देंदे हन। पास बैठन वालियां दा रिदा जगमगा पैंदा है। जिस दे मत्थे हाथ रखदे हन उसका जीवन कंचन समान हो जाता है। जो प्रभाव संगता ते पिया उसका वर्णन भट्ट गयंद जी ने भी दिता है। वह कहिंदे हन कि गुरु रामदास जी की करनी अते करतव नू देख के सब वाह वाह ही करदे हन। गुरु जी ने यह सोझी दे दिती कि यह शरीर यह घर यह इस्त्री का प्यार ते यह संसार मन दी ही खेड़ है। जिस गुरु का उपदेश मन्निया चरण कमलों नाल प्रीति की सिमरन दृढ़ किया ते मत विच यह भाव दृढ़ कर लिया कि यह संसार मन दी ही खेड़ है। वह इस खेड़ नू तकदा रहा अते आप तमाशा ना बनिया सगों वाह वाह का वड्डा तमाशा कहन लग पिया। गयंद जी कहिंदे हन कि अमृत नालों मिठे गुरु रामदास जी दे बचन हन। माया तो रहत हन श्री सतनाम करता पुरख गुरु रामदास चित बसै। धर्म का झंडा गोइंदवाल विखे सदा झुल रहा है। सत्ते ते बलवंड जी जो उस समय गोइंदवाल सन ने जो इको एक पौड़ी गुरु रामदास जी की उपमा विच आखी उसका एक एक शब्द भावपूरत है। उन्हें बड़ा सोहना लिखा कि गुरु रामदास जी का तख्त ते बैठना एक मुकम्मल करामात होई है क्योंकि जिस गुरु अमरदास ने भाल की उसी ने सवारिया ते अंत सोहना बनवाया। इस करामात नू देख सब हैरान होए सन ते सिखां ने ते संगतां ने गुरु रामदास नू अकाल पुरख दा रूप जान के ही वंदना कीती है। धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया। पूरी होई करामात आप सरजन हारे धारिया। सिखी अते संगति पार ब्रह्म कर नमस्कारिया। गुरु रामदास जी सदा टिके टिके रहिंदे सन। गहर गंभीर अते कोई पैमाना उन्हां नू माप नहीं सकदा। कोई तराजू उन्हां दे गुण तोल नहीं सकदा। अटल अथा अतोल तू तेरा अंत ना पारा वारिया। यह गल सच जाणो जिन्हां प्यार नाल प्रेम रख आप जी दे हुक्मां नू मन्निया ओह पार ही नहीं सगों लब लोभ काम क्रोध मोह समुचे तौर ते उन्हां दे हिरदे विच्चों जड़ों पुटे गए। फिर यह पंजे डेरा जमा ही नहीं सकते। जिनी तू सेविया भाओ कर से तुद पार उतारिया। लब लोभ काम क्रोध मोह मार कढ़े तुद सपरवारिया। तुसी ही गुरु नानक गुरु अंगद दा रूप हो। गुरु अमरदास जी ते तुहाडे विच रती भर फर्क नहीं। यह असा ही नहीं सारिया ही समझ लिया है। जिस किसे तुहाडे दीदार किते उसका भटकदा मन टिक गया। नानक तू लहना तू है गुरु अमर तू विचारिया। गुर डिठा ता मन साधारिया। एकांत चले गए। इंज प्रतीत हुंदा है कि जद तक संगतां दी आवाजाई रही मोहन जी चुप कीते बैठे रहे पर छेती ही कमलियां वांगू गुरु निंदिया करन लग पए। दुबिधा वधदी देख गुरु जी एकांत विच चले गए। यह भी लगता है कि कईयां दे पुराने फट भी अले हो गए। ਉਹ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੋਏ ਖਲੋਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਭਾਵਪੂਰਤ ਗੱਲ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ 14ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਬੇਮੁਕਤਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਰਾਹ ਪਕੜਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਚੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਹੋਏ ਪਰ ਸਦਾ ਅਚੁੱਕ ਅਟਲ ਅਚਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਐਸੇ ਬੇਮੁਖਾਂ ਅਤੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਵੱਖ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। पंथ निरोल रखिया। ऐसे लोग जिन्हां नूं पंथ विच्चों छेकिया सी संगतां ने मूँह ना लगाया भावें उन्हां कई यतन कीते ते व्यौंता बनाईया। गुरु अंगद देव जी वेले थोड़ी जिही कोशिश होई कि इन्हां नूं नाल रला लिया जाए पर उस विच कामयाबी ना हुई। कारण गुरु रामदास जी ने दिता कि उह फिटे हुए सन पश्चाताप विच नहीं सन हंकार विच सन अते जो मिलाण दी गल वी उन्हां कीती है ओह बनावट ही सी। तुर मारे पूरे सतगुरु सही हुण सतगुर मारे। गुर बाबे फिटके से फिटे गुरु अंगद कीते कुड़ियारे। गुरु अमरदास जी वेले तीजी पीढ़ी समें ओह विचारे ही रहे कुछ कर ना सके। बड़े यतन उन्हां कीते पर उन्हां विचारियां दे वस की सी। इधर पर्बत मैरान
उधर ये विचारे कंकर टोए टिब्बे, गुर तीजी पीढ़ी विचारिया क्या हथ इना विचारे। हुण गुरु रामदास जी अपने समय की गल करते हैं कि इन्हें जद सब वाह ला ली कोई तो किसी प्रकार की सफलता ना मिली तो गुरु रामदास जी ने मूँह नाल निंदा करन वाले निंदकां ते अमली नुकसान पहुँचाने वाले दुष्टां नूं ना सिर्फ बख्शिया सगों तार दिता। गुर चौथी पीढ़ी टिकया तिन निंदक दुष्ट सब तारे। इसे पौड़ी के दूजे श्लोक विच साडी रहनुमाई लई लिखिया कि जिसनों आप गुरु ने सारिया सामने वड्याई दिती होवे उसनों कादा पै डरे तां ओह जो वड्याई लैण लई निंदा ते दुष्टता दा सहारा लैंदा है। जिसने वड्याई दिती है उसे दा बिरद है अपणियां दी रक्षा करना। सिख दा तां इह फर्ज़ है कि नाम जपी जाए करतार आप ही स्वैर सरूप विच टिकाएगा, दरगाह मुख उजला करेगा ते पैज रखेगा। जिनको आप दे वड्याई जगत भी आपे आण तिनको पैरी पाई। डरिए तां जे किछ आप दू कीचै सब करता अपनी कला वधाए, देखो भाई इह अखाड़ा हर प्रीतम सच्चे का जिन अपने जोर सब आण निवाए। आप जी घर अंदर ही एकांत हो बैठ गए अंतर बिरती हो गए, जिथे दीवान लगदा सी उत्थे भी नहीं सन आउंदे। अमृत वेले दी किरिया तो बाद केवल बाणी उचार दे ते उसदा कीर्तन कर दे। इह अड़ौनी की ती रागां विच बाणी कद उचारी होवेगी, अठ वारा ते अनेक छंद कद रचे होणगे अते इतनी सुंदर व्याख्या गुरु असूलां दी कद कीती होवेगी, उसदा उत्तर इह समा है जो उन्हां प्रभु विच लीन हो के कट्टिया, बिरहों दी सट खा के गुजारिया, प्रेम दी कसक विच लंघाया। साडे घर विच इह मनौत है कि आप जी दे नैण हमेशा ही सज्जल रहिंदे सन। रता को अजे सिर्फ उन्हां ही छे छंतां नूं पढ़ो जो उन्हां आसा राग दे घर चौथे विच उचारे ते जो पिछों महाराज दे समें ही आसा दी वार दा अटुटवां अंग बन गए, तां पता लग जाएगा कि किस अवस्था विच एकांत बैठे विचरे सन। पहले छंत दे पहले अंक विच लिखदे हन, मेरे नैण हरी नाम रूपी अमृत नाल भिज गए हन, मन प्रेम विच रंगिया गया है। इस रंगे हुए मन नूं राम ने जद कसवट्टी ते लाया ता इह सौ सवन्नी दा सोना हो गया। इह कोई मेरी खूबी नहीं, इस ते गुरु दी रहमत द्वारा ही गूढ़ा लाल रंग चढ़िया ते नाल ही इसनूं ऐसा खुशबू विच डबो दिता गया कि चारे पासे महक छा गई ते सारा जन्म ही धन धन सफल हो गया। इना ही छंता दा अंतम छक्का है कि यह कोई वक्री गल नहीं हो रही, हर युग विच प्रभु भगत पैदा करता रहा है। पहला प्रहलाद नू बचा लिया सी ते दुष्ट हरणाक्ष नू मार दिता सी, हुणे निंदका अहंकारियां नू पिठ दे के नामदेव नू प्यार किया सी। उना नू जो यह माण दिता गया है पैज रखी गई है प्यार मिलिया है उसे दी एक कड़ी है। हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदा आया राम राजे, हरणाक्ष दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया, अहंकारियां निंदका पिठ दे नाम देव मुख लाया, जन नानक ऐसा हर सेविया अंत लय छड़ाया। ज्ञानी ठाकुर सिंह जी ने गुरद्वारा दर्शन विच लिखिया है कि सूही राग विच जो चार लावां आउंदियां हन वह आप जी ने गद्दी ते बैठते सार ही लिखिया सन। निजी तजर्बे तो अनेक ही तुकां लिखिया ते इतिहास नूं संभालण वाला पहला कदम चुकिया। आप जी की समुची बाणी विच हड बीती जग बीती हरी दे द्वारे जो बीतेगा दा जिक्र है, महिमा एक प्रभु दी ढाडी बन के गाई है। हर इको करता एक इको दबाण हर, हर इकसे दा है अमर इको हर चित धर, हर तिसबिन कोई ना है डर भ्रम पौ दूर कर, हर तिसै नौ सा लाहे जी तुद रखै बाहर कर। इष्ट दी उपमा भी उसे वजद विच कीती है जिस विच इक नू सलाहिया है, जिथै ओह जाए तिथै ओह सुरखरू उसके मुँह डिठै सब पापी तरिया। गुरु रामदास जी दी ही श्री राग की वार विच गाई तुक है। कितना विश्वास है गुरु नानक दी तालीम ते की फरमाउंदे हन, चार बर्न चार आश्रम है कोई मिले गुरु गुरु नानक सो
आप तरै कुल सगल तरा दो। गुरु कोल हथियार ते बचा दा समान हर भगती है, जिस सावें कुछ भी टिक नहीं सकता। सतगुरु का खड़ग संजो हर भगत है, जित काल कंटक मार विडारिया। फिर सत संगत दी महिमा दसी है, सत संगत ही मैल हाती है, सत संगत विच ही गुण प्रगास हुंदे हन ते सत संगत विच ही नाम प्रकाश हुंदा है। सत संगत का गुण बहुत अधकाई, पढ़ सूआ गणक उधारे। सत संगत मिले ता दृढ़ता आवे। बाणी दी महत्ता दृढ़ा के दस्या है कि जो गुरबाणी दे उपदेश ते टुरदे हन उना हाथ ही नाम रतन पदार्थ आउंदा है। गुरबाणी लागे तिन हाथ चढ़िया राम। वाहिगुरु भी गुर शब्द राही ही अपनी होंद जितलाउंदा है। गुर सबदी गोबिंद गजिया। कैसा सुंदर दृष्टांत दिता है, वाहिगुरु नाम जहाज है, गुरु मलाह है, पर चप्पू जेना ने पार उतारना है वह गुर शब्द ही हन। हर हर नाम परोत है मेरी जिंदड़िए, गुर खेवट शब्द तराया राम। सिखा नू विश्वास दिलवा दिता कि बाणी ते गुरु विच कोई फर्क नहीं। जो भी गुरबाणी दा कहा सिर मत्थे मन लैंदा है अते जीवन भी गुरबाणी अनुसार ढाल लैंदा है, उसनू गुरु हाजर नाजर हर थां दिसदा है। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कह सेवक जन मानै, पर तख गुरु निस्तारे। बाणी ते तुरन वाला सतसंगी जीवन दा रहस पा लैंदा है ते उसकी टोर मटक वाली ते चाल भली हो जाती है। मटक मटक चल सखी सहेली, मेरे ठाकुर के गुण सारे। फिर भगत जना पुरातन ते नवीन सबना दी महिमा गाई। तू प्रहलाद तो लैके धन्ना जी तक की वडियाई की। नामा जे दो कबीर त्रिलोचन, औजात रविदास चमियार चमैया। जो जो मिले साध जन संगत, तन धन्ना जट सैन मिलिया हर दईया। फिर गुरसिखां दी महिमा ही नहीं गाई, सगों ऐसे गुरसिखां दी धूड़ मंगी जो अमृत वेले उठदे इशनान करदे, नाम विच जुड़दे, साध संगत विच जांदे, गुरबाणी पढ़दे, किरत करदियां नूं भी उस नूं नहीं विसारदे ते इस कोशिश विच रहिंदे कि दूजा भी नाल नाल नाम जपे। जन नानक धूड़ मंगै तिस गुर सिख की, जो आप जपै अवरो नाम जपावै। जिस मिठास निम्रता ते हलीमी नाल वाहिगुरु, सो पुरख सतगुरु, सत संगत, बाणी, भगत, सेवक ते सिखां दा जिक्र ते गुण गाए हन, उतनी ही करड़ी ठोकवी ते स्पष्ट बोली विच निंदकां दा बुरा हाल हुंदा लिखिया है। विरोधियां, पाखंडियां, भेखियां, दुरमतियां, निंदकां, चुगलखोरां, गल फरोशां, मनमुखां अते दुष्टां दे कारे भी बाणी विच लिखे हन ते नाल इह स्पष्ट कीता है कि इह भी हर कीआं बातां हन तां कि इन्हां मनमतियां दा हुंदा हशर लोकी देख लैण। फास्टर ने गुरु रामदास जी नूं व्याख्याकार भी कहा है। आप जी ने उन्हां रहस्सां नूं खोलिया जिन्हां ते परदा वेदां शास्त्रां ते सिमरतियां ने पा दित्ता सी ते लोकी निरी कुंतरबाजी विच पै के असल वस्तु विहाजण तों वांझे रह गए सन। पहला श्री राग दे रंभ विच बिरहों दी व्याख्या करदे हन। बिरहों प्रेम ते प्यार तों उपजदा है ते इहो प्यार ही प्यारे पास लै जांदा है। विछोड़ा हंकार करके है। हंकारी कदे मिल नहीं सकदे ते प्रेमी दा कदे विछोड़ा नहीं होया। साकत कूड़े ऊब सूक हुए, मन अभिमान विछूड़ दूर गईया। माया दी फसोती ऐसी है कि इस विच फसा के गल फरोश ते भेखी जग्यासू नू पटकांदे रहिंदे हन। सो माया दी जो चिनकाई सी ओह बचना नाल उतारी तां कि इस दी चमक दमक तों सिख बच जाण। माया देखण नूं शोख रंग वाली पर छेती ही फिक्की पै जाण वाली शै है। इह परछावें न्याई है, कदे चढ़दे पासे कदे लहिंदे वल। इह उस चक वांग है जिस नूं घुम्यार ने चक्कर दित्ता है अते टुरदी फिरदी रहिंदी है। इसदा माण कूड़ा, खिन पूरब खिन पछम छाए, ज्यों चक घुम्यार पवाया।
माया यह नहीं जो दिसदी वस्तु है जां सिक्का मोती है जां कपड़ा गहना है। माया है उसका नाम विसर जाना। जे ओह प्रभु विसरदा नहीं अते यह वरती जा रही है संसारी जीवां दे भले लई। गुरमुख सब पवित है तन संपे माया हर अर्थ जो खर्च दे देंदे सुख पाया। सोरठ राग दी वार दी पौड़ी 16वीं विच माया दा जोर ही हटा दिता। फरमाया तिनका खादा पैदा माया सब पवित है जो नाम हर राते। तिनके घर मंदिर महल सराई सब पवित है जिनी गुरमुख सेवक सिख अप्यागत जाए वरसाते। तिनके तुरे जीन खुरगीर सब पवित है जिनी गुरमुख सिख साध संत चढ़ जाते। क्या पते दी गल गुरु अमरदास जी ने सारंग की वार महला चौथा दे श्लोक विच कही सी कि जे सच पल्ले है मरना चेते है ते हर नाम नहीं विसरिया ता माया बपुरी है ते जे सच दा जीवन नहीं मरना चेते नहीं अते हर नाम कदे चितव्या नहीं ता माया तुहाडे ते सवार है। जीवन धंधा करदिया दुख विच ही गुजर जाएगा ते झात मारोगे ता सब कुछ व्यर्थ गया जापेगा। माया मोह विसारिया सच मरना हर नाम धंधा करतिया जन्म गया अंदर दुख सहाम। जिन्हें संगत विच जाके अपने जीवन नू शब्द राही कढ़ा लिया ओह निसल हो सौंदे हन बेपरवाह हो विचरदे हन ते मटक मटक टुरदे हन। सदा खुशी उन्हां दे घर है सब कोई हर कै वस भगतां कै आनंद घर हर भगतां का मेली सरबत सौ निसल जन टंग धर। यही यकीन दिलवा दिता कि हर बिन कोई मार जिवाल ना सकै मन होए निचिंद निसल होए रही है। पुरातन हथ लिखतां जितनियां भी देखो उन्हां दे रंभ विच एक बड़ी भावपूरत टूक दत्ती होई हुंदी है जप रामदास जी का। जो सब तो पहला आदि ग्रंथ है उसते लिखा है जप रामदास जी का। ज्यों ज्यों बीड़ा दी नकल होई जाए उसके आरंभ विच एह ही लिखा हुंदा सी जप रामदास जी का नकल का नकल का नकल। इस संकेत तो ही खोजी बीड़ दा पुरातन होण दा अंदाजा लगांदे हन। पर एह जप रामदास जी का कुछ होर भी सांभी बैठा है। इस तो साफ स्पष्ट है कि जप जी का संग्रह गुरु रामदास जी ने किया। मालवा इतिहास के लेखक संत विसाखा सिंह जी ने गुरु रामदास जी महाराज के सिरलेख हेठां जिथे गुरु रामदास जी के परउपकार गिनाए हैं उत्थे पहला वड्डा परउपकार ही यह लिखा है जप निशान नावें जप जी साहिब का संग्रह किया। फिर अमृतसर का शहर वसाउणा ते अमृत सरोवर बनाने लिखे हैं। जप जी नू एह मौजूदा शकल चौथे पातशाह ने ही दित्ती ता ही ता मुढ़ विच लिखिया जप रामदास जी का। फिर जप जी ते महला पहला दा संकेत ना होना यह ही दर्शाउंदा है कि गुरु पातशाह ने सिखा नू जप करन दी जाच भी नाल ही नाल सिखला दित्ती। जप किसे एक व्यक्ति दा नहीं जप प्रवान है जो केवल करते दा है। यह जप कोई गुरु नानक देव जी गुरु अंगद देव जी जां गुरु अमरदास जी का नहीं। जप किसदा करना है आप जी ने सारंग राग दे घर पंजवें दे चौथे दूप दे विच पड़ताल सिरलेख हेठां उचारिया। जप मन निरभउ सत सत सदा सत निरवैर अकाल मूरत आजूनी संभो। आप जी ने 30 राग अते फिर रागां दियां अनेक किस्मां वरतियां। काफी गौड़ी गुआरेरी अते उसदे कई रंग बसंत हिंडोल कल्याण भुपाली मंगल जत अते पड़तालां। लोक रंग भी अखों ओले ना किता घोड़ियां करहले वणजारा पैरे लिखे छंतां राही खुशी दा माहौल पैदा किता। छंत दा ठीक अर्थ ही प्रसन्न करना है भावें कोशकारा ने कजना ते रख्या करना भी किते हन। सलोकां विच कठाक भी किता है ते सिद्धांत भी निखेड़िया है। हर वार विच वक ते नवेकला मजमून लैके कौम नू सुचेत किता है। आप जी ने कुल शब्द 246 अष्टपदियां 31 छंत
32, ਸਲੋਕ 138 ਅਤੇ ਵਾਰਾਂ 8 ਉਚਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਕਾਂਤ ਸਫਲ ਇਕਾਂਤ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੋਈ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਤੀ, ਬਿਰਹੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ, ਗਿਆਨ ਉਪਜਾਉਂਦੀ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਦਿੰਦੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਆਈ ਬ੍ਰਹਮ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰ ਉਚਰੈ ਬਾਣੀ ਧਰਮ ਧਰਾਨੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਗਾਨੀ ਸੁਖ ਖਾਨੀ, ਨਿਰਵੇਦੈ ਸਾਨੀ ਬੇਦ ਮਿਲਾਨੀ, ਗਿਆਨੰਦ ਦਾਨੀ ਬ੍ਰਹਿਮਾਨੀ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਰਿਧੀਆਂ ਫੁਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਦਰ ਆ ਖਲੋਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਥਾਵੇਂ ਜਿੱਤ ਹੀ ਪੈਰ ਚੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਪ੍ਰਧਾਨੀ, ਮੋਦ ਮਿਲਾਨੀ, ਵਿਜੈ ਕਰਾਨੀ ਧਰ ਮੁਕਤੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵਗਦੀ ਨਹਿ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਠੰਡੀ ਧੁਨੀ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਪੁਜਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਜਾਦੂਮਈ ਝਲਕਾਰੇ ਦਾ ਗਾਇਨ ਹੈ। ਉਸ ਬਿਰਹੋਂ ਕੁੱਠੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮਹੇਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਭੋਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਤਰਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਈ ਯਾਚਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਪਨੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਰਚਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਰਾਗਨ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਵੇ, ਮਧੁਰ ਮਧੁਰ ਮੁਖਤੇ ਧੁਨ ਗਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿ ਸਭ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹਲਚਲ ਮੱਚ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰਤਾ ਕੁ ਮੁੱਖੋਂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਧੀਰਜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠਣ ਜਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੇ, ਉਚਾਰਦੇ ਅਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਵਿਸਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਠਾਂਡੇ ਰਹਿ ਕੀ ਪੋਡੈ ਕਬੈ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋਦੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ। ਜਦ ਕੁਝ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਭਾਈ ਸੱਚਨ ਸੱਚ, ਮਾਣਕ ਚੰਦ, ਡਲੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸਿੱਖ, ਭਾਈ ਸਾਵਣ ਮੱਲ, ਭਾਈ ਮਾਈਦਾਸ, ਭਾਈ ਗੰਗੋ ਜੀ, ਪਾਵਨ ਜੋੜੀ ਮਥੋ ਮੁਰਾਰੀ, ਭਾਈ ਫਿਰੇਆ ਕਟਾਰਾ, ਭਾਈ ਖੇਡਾ ਸੋਈਨੀ, ਭਾਈ ਬੇਣੀ ਪੰਡਿਤ, ਭਾਈ ਹਿੰਦਾਲ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਅਤੇ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਵੀ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਆ ਤਿੰਨ ਹੈ, ਹਿਰਦੈ ਮੈਂ ਠਾਨੀ, ਬੈਠੇ ਬੀਚ ਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਨੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਮਸਤਾਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਘੱਟ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਠੀਕ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉਹ ਕਦੇ ਮੋੜਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਲ ਦੱਸੇ ਸਨ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਈ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਖਿੱਚਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰਬਾਬ ਵਜਾਏ ਸ਼ਬਦ ਗਾਓ, ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਰਹੱਸ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਰਜਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚਰਨ ਪਰਸਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਰਾਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ। ਫਿਰ ਜਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬਸਰਕੇ ਜਾ ਟਿਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੂਹਰਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਗੁਰੂ। ਬੜੀ ਉਲਝਣ ਪਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸੰਨ ਮਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਰਮਜ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਨੌਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਸਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਦਸਵਾਂ ਜੋ ਗੁਪਤ ਹੈ ਤੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਟੁੱਟੇਗਾ ਭਰਪੂਰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਰਹੱਸ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਜੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਵੋ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਾ ਬੈਠੀਆਂ। ਜਦ ਦੋ ਪਹਿਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨੈਣ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਆਕੁਲ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
गुरु अमरदास जी आप जी नूं अपनी थां अपना सरूप दे के बिठाल गए हन। हुण होर ना तरसाओ, सब हिन मह बैठो हर खावो उपदेसो सतनाम जपावो। आप जी ने उसे वेले निमर हो कहा, जिवें संगत दा हुकम है उसनूं आदर नाल मनना मेरा फर्ज है, मैं संगत तो कोई बाहर नहीं। तुम गुर सुत अर गुर सिख सारे, मैं नित हों अनुसार तुम्हारे। सादर बचन मानीबो मोहे, मोह कह मेरा धर्म एह होए। कैसे पूरने पा रहे सन गुरु रामदास जी पंथ लई, उस वेले दीवान सज गए ते गुरु जी विचकार आ विराजे। दरबार दी दख, संगतां ने जद गुरु रामदास जी नूं अपने विचकार डिठा तां इस तरह चैक के जिवें चकोर चन्न नूं देख के खुशियां विच झूमदा है। सतगुर मुख देख संगत बिगसाए, जिम चंद चकोर निरखत टकलाए। गुरु जी ने बचन किते, सिखां नूं अनुभव मिलिया, गोइंदवाल रौनकां पहले वांग ही हो गई। संगतां आउंदियां उपदेश सुणदियां, उन्हां दे कलेश कट्टे जांदे। जद घरां नूं मुड़दे तां ध्यान विच जुड़न दी जाच नाल लै जांदे। गृहस्थी जगत विच रहिण दी जुगती पा के मुड़दे, विरकती साधु भगती पा मुड़दे। जह पढ़ सुन भगती पहें बिरकती, सकती जगती नर युक्ती। वरतारा उसे तरह सी, नाम दी नदी वगदी ही रहिंदी सी। रबाबी नाम जल दे छट्टे कीर्तन राही, फबदियां ते ढुकवियां धुना कढ़ के संगतां ते मारदे रहिंदे सन। सब प्रसन्न चित नाल रल के भी गांदे सन। पुन आए रबाबी कर हैं आबी, रह नित फाबी शब्द धुनी। लंगर इको जिहा हर एक नूं आदर ना मिलदा सी। पहले वांग ही जो रसद रकम आउंदी रोज़ ही रोज़ खर्च कर देंदे। बहुत संगत आवत बित चलावत, नित लगावत गुरसोई। पहला उपदेश। साढ़े इतिहास का कहना है कि संगतां ने जब उपदेश मंगया तो आप जी ने सब तो पहला तनासरी महला पहला दा तीरथ नावण जाओ तीरथ नाम है। तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। वाला शब्द इस सुर नाल पढ़िया कि समाधि लग गई। फिर जद समझाया कि संसार रोगी नाम दारू, मैल लागे सच बिना, गुरवाक निर्मल सदा चानण, नित साच तीरथ मजना। ता समा ही बज गया। कहन लगे मैल लगती है क्योंकि संसारी जीव सच विच नहीं वरतदे। आहार विहार वरतों प्यार वैर विच विचरदे मैल लग जाती है। यह कट्टी दी है नाम दारू नाल, फिर चमड़ेगी भी नहीं जे कोई गुरु उपदेश ते वाकां दे चानण विच टुरेगा। फिर होर निमर भाव विच जाके गौड़ी गुआरेरी विच शब्द उचारिया। पंडित सास्त सिमरत पढ़िया, जोगी गोरख गोरख करिया, मैं मूरख हर हर जप पढ़िया। पूरा शब्द पढ़न तो बाद मैं मूरख हर आस तुम्हारी कई बारी पढ़िया। जुड़िया संगतां नूं इह भी कहा, जो भी अग्गा सवारना लोड़दा है, सेवा करन बिखै चित करै, ओह हंकार ना कबहूं तरै। हत्थी सेवा दा बहुत फल है, अंदरला निर्मल हुंदा है, तप ते दस गुण फल इस केरा। फिर शरदा बहुत जरूरी है, शरदा नाल सतसंगत दी कीती सेवा नाल भगती दृढ़ हुंदी है ते भगती नाल ज्ञान उपजदा है। ऐसे ज्ञान प्राप्त करन नाल मुक्ति हुंदी है। सेवा मूल सो करहो किरतारत। मैनू ओह ही प्यारा लगता है जो निमर हो के भुखे नूं खवाउंदा है, नंगे नूं कपड़ा देंदा है ते दुखी नूं आसरा। जो सरदा पुजदा सिख है ओह लोकां दे रहन लई थां बणाए। मंदर चिन्है चिनावै चारू, जह बिसरामै रामै संत उदारू। सेवा करदिआं कदे हंकार नहीं लिआउणा। उदाहरण भी दित्ती कि कोई पंछियां नूं चोगा पाउंदा सी, चोगा खिलरिया देख हंस भी आउण लगे ते ओह मोती उगल जाया करन। सिखां दी सेवा करदे करदे नाम मोती मिल जाएगा। हंस समान सिख जो मेरे, इन सेवे फल पाए कनेरे। फरमाया कोई अजेही संसारी जां परमार्थक वस्तु नहीं है जो सिखां दी सेवा तो ना मिले। सब कुछ सेवा तो ही मिलना है। अलब वस्त ऐसी नह कोए, मम सिख सेवै पाए ना जेई। मैकालफ का कहना है कि यह भी फरमाया
तुहाडे लई गुरु जी ने निराली त्रैबेणी उसारी है। उसका जस गावदे होए हर एक दे हिरदे विच उस प्रभु नू हाजर नाजर देखना ते नाम प्रगट कर लेना। भगत कबीर अते रविदास ने केड़ी त्रैबेणी दा इशनान किता सी? ओह दोवें नाम दे तीरथ वाली कुटिया विच वसदे सन। उन्हां दी कुटिया दीआं कंधां अपणीआं वासनावां नू रोकणा सी, छत प्रेमा भगती दी सी। ब्रह्म दा ज्ञान वाहिगुरू दा ध्यान शतीर सन। लालच दी गर्मी भरमां दी सर्दी कुसंगत दे मीह तों बचण लई उन्हां हिरदे विच वाहिगुरू दा प्यार पैदा कर लिया सी। तुसी वी होमें दा अभाव करके प्यार वसा के उस प्रभु दे गुण गाई टुरे जाने हन। गुण गाउण नाल मन मांझिया जांदा है ते सेवा करन नाल फिर होमें दी मैल नहीं चंबड़दी। सिद्ध दर्शनां नूं आए। जिस समय तो गुरु नानक देव जी ने सिद्धां नूं वंगार पाई सी, ओह खुण सखा कई वार आट कराए पर हर वारी मूँह दी ही खाणी पई ते अंत विच धन नानक तेरी वड्डी कमाई अते वड्डा पुरख प्रगटाया जिस कलयुग अंदर जोत जगाई कहिंदे मुड़ गए। यह जोत दा प्रकाश देखण लई इन्हां दे मुखी गुरु अंगद देव जी पास आए अते ऐसे तिखे बोल बोले पर गुरु अंगद देव जी दा शांत निमर सुभा देख जुहारां करदे मुड़े। इस तरह गुरु अमरदास जी पास आए अते नूरानी चेहरा देख अवाक ही हो गए। सवाल जवाब तां करदे रहे पर केवल सूझ हासिल करन लई। हुण जद उन्हां ही सिद्धां ने जिन्हां दी गिनती 84 कही जांदी है सुनिया कि गुरु रामदास जी गद्दी नशीन होए हन तां गोइंदवाल आए। सिखां दी रहणी बहणी ते विहार देख के पुछ बैठे, तुसीं संगतां नूं अष्ट योग नहीं सिखांदे? उस तों बगैर मन ठहर नहीं सकदा, मन ठहरे बगैर आत्म दर्शन नहीं हुंदे, आत्म दर्शन बगैर जुगत नहीं ते जुगत बगैर छुटकारा नहीं, मुक्ति नहीं, मुक्ति बगैर बंधन नहीं टुटदे। सिख विचारे की करदे होणगे? पहलां तां इह गल्लां सुणदे सार इतने बचन गुरु जी ने कहे, बिन प्रेम भगत नहीं हर मिले, बिन हर मुक्त न जाण। फिर समझांदे होए गुरु रामदास जी ने कहा, जोगी जो मन नूं जोड़दा है, बिरतियां नूं होड़दा है, इक साधन ही करदा है, असां साधन सतनाम दा जाप ते उस नाल प्यार दस्या है। सिख प्रभु दे प्रेम रूप दा आसरा लैंदे हन, याद नूं पका लैंदे हन, उस दी हजूरी दा आनंद माणदे हन। बिरतियां अपने आप ही एकागर होण लग पैंदियां हन। फिर वाहिगुरू जो आप प्रेम रूप है, उसनूं प्रेमियां नाल प्यार है, ओह खिच्चां पाउंदा रहिंदा है। दुख दूर करन दा राह वी गुरु ने सतसंग दस्या है। सतसंग विच कीर्तन सुणदे मन एकागर हुंदा है, किसे पासे धांदा नहीं। संगत करके यह सोझी मिल जाती है कि दुख तो है जे असी इस दे नाल प्यार करते हाँ, दाता नाल मोह पाउंदे हाँ, दाते नाल प्यार करन नाल दुख आपे हट जाते हैं, होमे का अभाव हो जाता है, होमे फिर जोर ना पावे इसका राह सेवा दसिया है। इस तरह सहज बैराग मिल जाता है। संसार विच रहिंदे होए भी सिख संसार तो उच्चे रहिंदे हन। जे माया गृहस्थी नूं बार बार अटकांदी है तां सिद्ध लोकां दी खूबसूरती रिद्ध सिद्ध करामात अटका देंदी है, असल विच चटक ही लग जांदी है। प्रभु दे प्यार नालों ओह प्रभु नूं शक्ति रूप देख देख आप वी साकत हो जांदे हन, इक रंग नहीं रहिंदा, प्रेम नाल इक रंग रहिंदा है। जे माया जरा कु अटकांदी वी है गृहस्थी नूं तां प्रेम दे चाबक मार सुरत नूं उतां चुक लैंदे हन। जोगी लोग उम्र ही जाया कर जांदे हन, पहलां सारा ध्यान शरीर स्वच्छ करन विच लगा देंदे हन, फिर उम्र लम्मी करन विच अते फिर जगत वस करन विच। परमेश्वर दे प्यारे विच इह लालसा क्यों होवे कि किसे नूं वल छल नाल अपना बनाया जावे? भले पुरश दा काम है उपदेश देई जाना, अगला मन लवे तां उसदा भला, जे ना मन्ने तां उसदी रजा डर ते वर क्यों देईए? जिन्हां नूं कुछ सोझी आई है ओह लोकां तों दूर दूर क्यों भजदे हन? इन्हां लोकां विच विचरो, हिम्मत दिओ इन्हां नूं जूझण दी, ऐसा ढंग सिखाओ कि वाहिगुरू दी टेक रखदिआं मजबूत दिलां वाले होण। कदी सोचिआ जे परजा ज्ञान विहूणी हो के कुरला रही है? किन्नियां सदियां इक्को पठान घराणा राज ते जुल्म करी जांदा रहा, कोई ना कुसकिया, इक मरिया दूजा उसकी थां आ गया,
हुण मुगल आए हन, ओह भी विदेशी हन। लोकां विच जाओ, उन्हां नूं हिम्मतां वाले ते दाइए वाला बनाओ। जद इह गल्लां गुरु रामदास जी दे मुखों सुणियां तां सब सदा ने नानक जान उस्तत मुख पन। किंजरी वजांदे जोगी आए। जोगियां विच इक ऐसी संप्रदाय भी है जो टोले बना हत्थां विच साज किंजरियां आदि लै फिरदी रहिंदी है ते लोकां नूं गा गा गाथा सुणा प्रभु पासे लगाउण दे बहाने माया बटोरन विच ही लगी रहिंदी है। इसी प्रकार दा जोगियां दा इक जथा गोइंदवाल आया ते किंज वजा के बाहरों आईयां संगतां नूं गीत ते गाथा सुणाउण लगा। पिछों चादर विछा मंगाली पा बैठा ओहो ही जथा किंजरी वजांदा गुरु जी दे दर्शनां नूं जद आया तां महाराज ने कहा, हत्थ विच किंजरी फड़ के इतना सोहणा वजांदे हो पर इह सब बेअसर ते थोथी किरिया है क्योंकि मन तां होर पासे भजदा रहिंदा है। इह तुसीं इंज जाणो कि किधरे खूह होवे ते बैल इस लई जोते जाण कि पैलियां नूं जल मिले ते फसल हरी भरी होवे, पर फसल पकदे ही बैल सारी खेती खा जाण। सब कीता किराया व्यर्थ गया। गावै राग भात बहुत बोलै, इह मनुआ खेलै खेल। जोवै कूप सिंचन को बसदा, उठ बैल गए चर बेल। करो इह कि श्रीनगर विच हर नाम दा बीज बीज के टिके हुए मन नूं बैल बना के गुरु दी दित्ती मत बाणी राही, गीतां राही नहीं, कहानियां राही नहीं सिंची जावो। फिर देखना कैसी हरी भरी नाम की खेती पैदा होंदी है। काया नगर मह करम हर बोवो, हर जामै हरिया खेत। मनुआ अस्थिर बैल मन जोवो, हर सिंचो गुरमत जेत। गुरु रामदास जी ने जोगी नू सिखी बख्शी। तपा तज पखंड गुरु को सिख होयो। जिमें सिद्ध जोगी काया साध लोकां दे घर मंगन टुर पैंदे सन, ऐसी ही एक श्रेणी तपा लोकां दी सी जो धूणियां रमा जरा कु इकागरता पा जिथे वसों हुंदी सी आ डेरे लगांदे सन। ऐसा ही एक तपा गोइंदवाल आवसिया, सारे सुख उसनू मिलन लगे, पर जद देखे कि सिखां दे चेहरे नूर नाल जगमगा रहे हन, ना कोई हठ है, ना कोई योग साधना, ना कोई शास्त्र जां बेद रीति, ना किसी तीर्थ यात्रा ते जाण दी गल, केवल अमृत वेला कीर्तन ते सेवा है, तां इक दिन हिया कर पुछ बैठा। तुमरे सिख दिसै अभिमानी, बेद पुराण तीर्थ नहीं जानी। तुमरे सिख तुम ही को जाने, वाहिगुरु मुख जाप बखाने। नहीं दिसै इतको धर्म सुभाओ। सिखां दी गति किवें होवेगी, सुरगां दा सुख इह किवें लैणगे। गुरु जी ने कहा कि इह सुखां दी जो तुसां गल कही है इन्हां विच्चों गुरु घर ने सिखां नूं कढ लिया है। इह सब लालसावां हन ते अलप सुख हन। असल आत्मा सुख है, नाम प्रति है। जो तुसीं तप साध के लैण दी इच्छा करदे हो पर फिर भी नहीं मिलदा, सिख याद विच्चों कढ लैंदा है। सिख मन प्रभु दी याद विच लगा के सेध पा लैंदा है, फिर प्रीत उपजदी है, ध्यान पकदा है। इह हरी ध्यान दी तुलहा है जो इस नूं पार लंघाएगा। नाम दी महिमा ते जो फर्ज़ गुरु जी दे जिम्मे लगा सी उस दी व्याख्या करदे हुए फरमाया, जिसने नाम चख लिया उस नूं 36 पदार्थां दा स्वाद आ गया। उन्हां दीआं पहनण ते दिखाउण दीआं चाहां मुक गईआं। सतगुरु ने यह काम सानू सौंपया है कि केवल नाम दी गल जगत ते टोरो। नाम जपण वाले नू किसे दी भी खुशामद नहीं करनी पैंदी। हर नाम हमारा भोजन, 36 प्रकार जित खाइए हमको तृप्त भई। हर नाम हमारा पहनण, जित फिर नंगै ना होवै, होर पहनण की हमारी सरद गई। हर नाम हमारा वणज, हर नाम व्यापार, हर नामे की हम कहो सतगुरु कारकुनी दी। हर नामे का हम लेखा लिखिया, सब जम की अगली काण गई। जद तपे ने कहा कि गृहस्थी लोग खिन खिन भुलदे हन, उन्हां नूं अभ्यास लई प्रेरणा की लोड़ रहिंदी है, इस दी गृहस्थी पूर्ति किवें करदे हन, तां बख्शिश दाते गुरु रामदास जी ने कहा, एक तां जो वाहिगुरु दा उच्चारण दस्या है ओह उत्साह वाला है,
वाह आखण नाल सुरत उच्ची उठती है ते गुरु कहन नाल प्रकाश दाते ते अंधकार दूर करन वाले वल ध्यान जांदा है। होर सत संगत सब तो वड्डा उपराला है। जेड़े भी नाम रसीए हन ओह अमृत वेले इशनान करके धर्मशाला दवान लगा जुड़ जांदे हन, उत्थे कीर्तन सुनदे हन, कीर्तन विच प्रेरणा हुंदी है ते मन जागिया रहिंदा है। प्रभु दा नाम मिठा लगदा है, राग ते भाव बाणी इकट्ठे हो के मन दियां होर सोचां मुका देंदे हन, इक सरूर चढ़ जांदा है। यह लाग जो अमृत वेले लग जांदी है मन नूं ऐसा रुख दे देंदी है कि मन सारा दिन सुख ते यकीन दे घर रहिंदा है। अब मन जानबो संत महात्म जिस ते प्राप्त ज्ञाता आत्म। तपे ने बेनती की कि उसनों भी सिखी दान बख्शो। महाराज ने कृपा दृष्टि की तो उसका जीवन भी सावा पदरा हो गया। तज पखंड गुर को सिख होयो, मिल सत संगत मह सुख जोयो। अमृतसर जाण दा निर्णा। आप जी दी दो ही चारे पासे फैल गई सी। संगतां नूं किसी प्रकार का कोई भुलेखा नहीं सी रहा कि जोत किस नूं समर्पी गई है। आप जी प्रचार दे काम वल्लों भी बड़े सावधान सन। मंजीदारां दा इकट्ठ करके बड़ी ताड़ना नाल सिखी कार्ज नूं निभाउण दा उत्साह दिता। यह भी कहा कि कोई आप हुदरी ना करे, गुरु सिक्ख्या ही संगतां नूं दृढ़ कराउणी मंजीदारां दा फर्ज है। यह ना भुलना कि किसी ने जड़ कट्टण दी कोशिश कीती तां शाखां कदे प्रफुल्लत नहीं हो सकणगियां। पैड मंडाहूं कट्टिया तिस डाल सुकंदे। भाई गुरदास जी नूं गुरु अमरदास जी ने जम्मू वल प्रचार हित भेजा सी। जद गोइंदवाल दर्शनां नूं आए तां आप जी ने आगरे जाण दा हुक्म कीता ते कहा पूरब दी सिक्खी दी संभाल आगरे बैठ करो। अब तुम आगरे माहे सिधावो तह की संगत प्रेर लियावो। भाई गुरदास जी संस्कृत फारसी दे माहर सन। बाणी दे रहस्सां नूं गुरु अमरदास जी दे चरणां विच बैठ के सिख्या सी। रिश्ते विच भाई गुरदास जी तीजे पातशाह दे भतीजे लगदे सन। उत्थे ही निर्णा लिया कि हुण अमृतसर दी विचे छड्डी उसारी नूं मुकम्मल कीता जाए। जिवें गुरु अमरदास जी फरमा गए सन, अमृतसर ऐसा शहर बने जो सिफती दा घर होवे, जिथे जहर कहर वाली कोई शह ढूंढिया भी ना मिले। सो अज असी यह किताब पन्ना नंबर 116 तक ही पढ़ांगे। गुरबाणी पढ़ते हुए होईयां भुलां चुकां लई मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मंगदी हाँ। धन्नवाद जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।